हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फूडीज जायका। तो आज मैं लेके आई हूँ इडली सांभर रेसिपी। तो इसमें जो सब्जियाँ डालने वाली है वो है घिया, टमाटर, शिमला मिर्च, चुकंदर, प्याज, लहसुन, हरी मिर्च और ये तुअर दाल है जिसको मैंने गला के रखा है, और ये इमली। तो इनको भी हम गला के रखेंगे। यहाँ ले रही हूँ मैं कुकर। कुकर में लेंगे हम सरसों का तेल। तेल आप कोई सा भी ले सकती हो, मैं सरसों का तेल ज़्यादा यूज़ करती हूँ। और इसमें डालेंगे जीरा, हींग और ये कटा हुआ लहसुन। तो इसका कच्चापन निकल जाए इतना इसको इसके अंदर पकाना है। और डाल देंगे एक हरी मिर्च और प्याज। तो प्याज को भी थोड़ा सा सोटे कर लेंगे जिससे इसका कच्चापन निकल जाए। और जो बाकी सब्जी आए शिमला मिर्च, बीट रूट, इनको भी हम डाल देंगे इसके अंदर। तो यहाँ पर डाल देंगे टमाटर और ये गाजर लिए मैंने और ये घिया। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर हम मिक्स कर देंगे। तो सब्जी आप अपनी मनपसंद से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और यहाँ डालेंगे कुछ मसाले। तो ये लाल मिर्च पाउडर लिया है मैंने, हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर। इन सारी चीज़ों को मिक्स कर देंगे। और इसी के साथ ले रही हूँ 2 बड़े चम्मच में सांभर मसाला। तो इनको मिक्स कर देंगे। और यहाँ डाल देंगे हम तुअर दाल, जिसे अरहर की दाल भी बोलते हैं, जिसको मैंने गला के रखा था आधे घंटे के लिए। और जितनी आपने दाल ली है उसका 4 गुना इसके अंदर हम पानी डाल देंगे। कंसिस्टेंसी आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, आपको गाढ़ी सांभर पसंद है या थोड़ा पतला पसंद है। और इसके अंदर डाल देंगे हम स्वाद के अनुसार नमक और इसको 3 से 4 सीटी आने तक पकाएंगे लो मीडियम फ्लेम पर। तो यहाँ इडली की तैयारी कर लेते हैं। तो ये चावल और उड़द की दाल, इनको मैंने ओवरनाइट भिगो के रखा था और ये इडली अपनी गल गई है। तो इसको इस तरह से मैश कर लेंगे और इसको स्ट्रेन कर लेंगे जिससे जो बीज और इसके छिलके होते हैं वो अलग हो जाएंगे। तो इसका हम पानी यूज़ करने वाले हैं सांभर के अंदर। तो इसे हम साइड में रख लेंगे इस तरह से छान के। और इडली के लिए मैंने ये उड़द की दाल ली है। उड़द की दाल और चावल का रेशियो 1:3 होता है। जैसे एक कटोरी मैंने उड़द की दाल ली है तो 3 कटोरी लेंगे हम चावल। और इसको बिल्कुल महीन पीसना है, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम पीसेंगे। तो उड़द की दाल पीस ली है तो चावल भी पीस लेते हैं उस सेम जार में। मैं चावल भी पीस लूँगी, इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे हम। तो देखिए बिल्कुल महीन बैटर पीसेंगे इसको। चावल भी बिल्कुल महीन हो जाते हैं, बिल्कुल दूध जैसा हो जाता है पूरा। तो ये देखिए दोनों चीज़ें पिस के होंगी तैयार। इस तरह की कंसिस्टेंसी चाहिए हमें बैटर में। और इसमें डाल देंगे स्वाद के अनुसार नमक। तो ये अपना इडली का जो बैटर है वो तैयार हो गया। और कोई भी चीज़ इसमें डालने की ज़रूरत नहीं होती है। इस तरह से जब हम बनाएंगे तो इसमें जब बनाने वाले होते हैं इडली तभी हम इसमें डालेंगे ईनो। तो अभी मैं इसको एक बार साइड में रख देती हूँ और अपने सांभर की तरफ चलते। तो सीटी अपनी आ चुकी है और इसका प्रेशर भी निकल गया। तो देखिए कुकर का ढक्कन मैंने खोल लिया, काफ़ी अच्छी तरह से अपनी जो सारी सब्जियाँ हैं वो पक गई है। तो दोबारा से हम गैस ऑन कर देंगे क्योंकि और भी चीज़ें जो डालने वाले हैं हम इसमें। तो थोड़े जो घिया और जो सब्जियां हैं थोड़ी खड़ी रह जाएं तो उन्हें इस तरह से घोटने से आप घोट सकते हैं इसको। तो मैंने जो दही बनाने वाली जो रही होती है उससे मैंने इसको घोट दिया। और इसमें डाल देंगे हम इमली का पानी जिससे कि अपनी जो सांभर है वो खट्टी मीठी बनेगी। और इसमें इसी के साथ डालेंगे थोड़ा सा गुड़ जिससे जो सौंफ में थोड़ा सा गुड़ यूज़ करते हैं। और यहाँ मैं डाल रही हूँ गरम मसाला। तो गरम मसाला बिल्कुल ऑप्शनल है क्योंकि आपने सांभर मसाला भी यूज़ किया है। तो आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। तो ये अपना सांभर बनके तैयार हो गया है। तो इसमें डालेंगे हम तड़का। तो यहाँ मैंने लिया है ऑयल। इसमें डालेंगे 1 चम्मच राई। तो इसको तड़कने देंगे। और 2 लाल मिर्च और ये सूखी हुई मैंने करी लीव्स ली है। मेरे पास ग्रीन नहीं थी, आप ग्रीन भी यूज़ कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा
गरम करेंगे और सांभर के अंदर डाल देंगे। तो ये अपना सांभर बनकर तैयार हो गया है और इसमें लास्ट में डाल देंगे हम हरा धनिया पत्ती। तो इसे डोसा के साथ या इडली के साथ किसी के साथ भी आप इंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी सांभर बनके तैयार हुआ है। तो अब हम बनाएंगे इडली। तो मैं बिना इडली स्टैंड की इडली बनाने वाली हूँ। तो ये मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा पानी रखा है, स्टैंड रखा है और इसमें जो मोल्ड है वो रखा है मैंने, अप्पे अप्पे बनाने वाला जो आता है वो, और लास्ट जब हम बनाने वाले हैं इडली तो तभी मैंने डाला है ईनो। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, देखिए इस तरह से। और ये देखिए ये पानी भी गर्म हो गया, काफ़ी भाप बनने लग गई। तो इस मोल्ड में हल्का सा हम ऑयल लगा लेंगे जिससे कि अपनी जो इडली है वो चिपकेगी नहीं। एक बार ही लगाएंगे, फिर उसके बाद हम नहीं लगाएंगे। और इसमें डाल देंगे अपना बैटर। तो ये सारे मोल्ड, तो इसको 2 से 3 मिनट तक इस तरह से हम पकाएंगे। और एकदम से देखिए अपनी इडली है वो फूल गई है और सिक गई है। तो इस तरह से आप इसको चेक कर सकते हैं, बिल्कुल फ्लफी इडली बनके तैयार हुई है अपनी। 1 से 2 मिनट लगते हैं इसको ज़्यादा, बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम पर। तो एक देखिए मैंने इसको देख लिया है, चेक कर लिया है। इसी तरह से सारी इडली आपने तैयार कर लेंगे हम। तो फ्रेंड अपनी जो सांभर और इडली रेसिपी बनकर तैयार हो गई है। अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आ रही तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।